गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू BDPS लेट्स लर्न क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास सेवेंथ का मैथ, और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेसिमल कंस्ट्रक्शंस। तो गाइस, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन के और सबसेक्शन के कुछ सम्स हैं जो फ्रैक्शन में गिवन है। आपको उन्हें कोई भी सिंपल इजी मेथड लगा के सोल्व करना है। बेसिकली मैं आज आपको दो मेथड से करना सिखाऊंगी। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन है, हम लेते हैं 2-3/5, तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लोगे। फिर फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है कि पहले आपको क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उतार देना है, फिर आपने इनकी इन दो की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर इन दो की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर इन दो की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए करते कैसे हैं, ये बहुत ही इजी तरीका है करने का। 5 2 कितना होता है 10, बीच में कहीं का साइन है माइनस का, तो आप कहीं का साइन पुट करेंगे माइनस का। 1 3 एंड 5 5, सो 10 3 = 7, 7/5 इट इज़ द आंसर। एंड बाय सेकेंड मेथड है LCM वाला मेथड। आपने इसमें भी पहले क्वेश्चंस को सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लेना है। अब जो आपके डिनोमिनेटर हैं, आपके डिनोमिनेटर क्या है, 1 और 5, आपको पहले इन दोनों डिनोमिनेटर का LCM लेना है, और LCM लेने के बाद जो LCM आएगा उसको आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ताकि हमें दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम मिल जाएं। तो फर्स्ट हमें 1 और 5 का LCM लेना है। गाइज, तो 1 और 5 का LCM कितना आएगा? LCM तो आप पिछली क्लासेस में सीख ही चुके होंगे लेना। तो 5 और 1 का LCM लेंगे तो LCM कितना आएगा, 5। अब क्योंकि LCM 5 आया, तो आप 1 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आएगा, 5। तो आपने पहले फ्रैक्शन क्वेश्चन का जू का तू लिखना है, फिर उसमें क्वेश्चन जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन कितना आया, 5। माइनस का साइन है बीच में वो, फिर 3/5 एज इट इज, इसको भी 5 बनाना है, लेकिन ये ऑलरेडी 5 है, तो आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हमें जिस भी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, उसी से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका रूल है कि आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करनी होगी, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, सेम मतलब कट के आपकी वही नंबर आनी चाहिए। तो इसलिए हमने जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर कर रहे हैं। तो कितना है, 2 5 10, 5 1 5, 3 1 3 एंड 5 1 5। अब आप देख रहे हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 10-3/5। अब 10 में से 3 गए तो कितना बचता आपके पास, 7 7/5। अब देखिए इस कंडीशन में भी 7/5 और इसमें भी 7/5। आप इन दोनों में से जो भी सुटेबल मेथड आपको सही लगे आप उससे उसका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द राइट आंसर। सो गाइज, ये वाला मेथड का सिर्फ ये तरीका ये वो है कि मतलब आप इसमें इससे हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास दो टर्म हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसे आप तभी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन LCM वाला मेथड बेनिफिशियल इसलिए है कि इसे आप कितनी भी टर्म हो, अगर आप इसमें कोई भी 2 या 3 टर्म ऐड करेंगे तो फिर ये सभी में लगेगा। तो इसलिए LCM वाला मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी 2 वाले टर्म के जो क्वेश्चन है उनमें आप इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपका सही आंसर आया, 7/5 7/5। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिएगा BDPS क्लासेस से। थैंक यू।